वेलकम टू एवरीवन। तो मेरे गोद में है मेरी छोटी सी बेटी मैक्सी, इसका नाम हमने सोच लिया मैक्सी रख लेंगे। और अभी इसको मैं सिर रख देना है, उसके बाद खुद खाने आना है। बेटा ऐसे कि कच्चा सब आ जाओगी, रुक जाओ बना के देता हूँ। तो आज हमारे प्रोबेबली दो सीन होने वाले हैं। एक सीन तो वो जो कल रात को आपको हमने बताया अनस की बर्थडे का, ठीक है, जो हम प्री बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं अनस की, वो तो सीन डन है। बाकी दूसरा सीन शायद ये हो सकता है, जो हमारी मैक्सी है उसकी 28 डेज हो चुकी है, इसलिए मैं प्रोबेबली का वर्ड मैंने यूज़ किया क्योंकि अभी डन नहीं है। तो सकता है आज उसको हम वेट क्लिनिक लेके जाएँ क्योंकि उसकी वैक्सीनेशन करानी है हमें, और फर्स्ट शॉट लगेगा माशाल्लाह से उसको, या तो आज लगेगा या तो मैं कल या परसों में लेके जाऊँगा। लेकिन अनस वाला सीन डन है, हम यहाँ से निकलेंगे रात को 12 बजे। अच्छा तो भाई, जो मैंने आपको सीन बताया था वैक्सीनेशन का, वो वैक्सीनेशन का सीन इंशाल्लाह कल या परसों में डन करवा देंगे। ठीक, बस मैं आ रहा हूँ शर्ट वगैरह चेंज करने, क्योंकि ये सब लोग आ रहे हैं। जो मैंने आपको सीन बताया था इसकी प्लानिंग चल रही थी, कल वो डन है, ये लोग आ जाए उसके बाद चलते हैं। अच्छा भाई, तो अभी सीन ये कि ये लोग आ चुके हैं और हम निकल रहे हैं। बस हम इनको अपने ऐश और उसको सूजी को बंद कर दें, खुले हुए थे। आ जाओ। कहा हुआ? चलो टाटा, अभी निकलते हैं। फिलहाल वासिद और हसन आ चुके हैं, हसन और चिंगम, और मेरे ख्याल से नौमान भी आ गया होगा। अच्छा भाई, अभी अनस भाई की बर्थडे के लिए अभी तकरीबन 10:45 हो रहा है और इस टाइम हम होते हैं कोचिंग में सर के पास, ठीक है। लेकिन हमने स्पेशली अनस भाई की बर्थडे के लिए घुमाया है तुल्ला। नौमान को कॉल करती थी, नौमान अभी तक शायद पहुंच गया होगा। नो कैप छोटा है मेरे सर के हिसाब से, भाई इसलिए लगाया ताकि बाल सीधे हो जाए, क्योंकि जैसा कि आपको पता है हमारे बाल और ज़िंदगी के रास्ते बहुत टेढ़े हैं। क्योंकि हमने कार वार निकाल लिया और अब बस निकल रहे हैं हम, और हमारा प्लान बहुत इंटरेस्टिंग है। वैसे तो हमारा प्लान है, हम यहाँ से आएंगे पहले गुलशन काशिफ फूड, उसके बाद जाएंगे दो दरिया और खाने लेंगे हम पार्सल और वहाँ जाके खाएंगे। निकल चुके हैं और चार बंदे पीछे बैठे हैं हम और दो आगे बैठे हैं। गद्दी वद्दी लगाई हमने ताकि डाटा इस पे बैठे, और डाटा बैठेगा, डाटा ने कलर भी छोड़ दिया इस पे ब्राउन ब्राउन। अभी हम पेट्रोल वेट्रोल डलवा रही है, निकल रहे हैं, इनका वेट कर रहे हैं, हम बैठ रहे हैं। भाई हमारी निकलती पनौती हो चुकी है, ये देखो टायर क्या फटा है, क्या पंचर हुआ, पता नहीं क्या हुआ है, लेकिन लकीली हमारे पास कंपनी की एक्स्ट्रा, अभी उसको फिट करेंगे और फिर आगे किसी पंचर वाले के पास जाएंगे। भाई अभी एक भी ये खुश हो चुका है, दूसरा भी फिट होगा। जेदी कर। अच्छा जान लगा। डाडा उस्ताद हमारे। हाथ कांप रहे इसके तो। तो भाई अभी हम आ चुके हैं नागन वाले पंप पे, शैल वाले पंप पे। अभी ये लोग यहाँ पता करने गए हैं लगेगा नहीं लगेगा, और हमने बोला भाई अभी जाते भी लगवा लो ताकि अफसोस से बेहतर है कि एहतियात कर लें हम पहले। हाँ तो भाई यहाँ भी हमारा टायर प्रोसेस तो आ चुका है, निकल के आएगा, निकल के आएगा, थोड़ा सामने कर दिया, छोड़ जाऊँगा। ओहो, इनके बाल तो देखें, इन्होंने बाल कटवा लिए गाइस, चुड़ैल से ही अब पिछल पहरी बन चुके हैं। ऐसा मत करो मेरी जान, लगे मस्ती में चिंगम अपनी मस्ती में। हाँ उस्ताद क्या बता रहे हैं, टायर सही हो जाएगा दो दरिया से आने आना है। चलो अल्लाह मालिक है, हैदराबाद निकल जा, लाहौर निकल जा। वॉइस तो भी सीन ये है कि हमने भरोसा किया इन्हीं टायरों पे और हम जा रहे हैं ऐसी अपने सफर। और मेरे हिसाब से ना हमारे दोस्तों की बर्थडे पनौती, इसकी बर्थडे में गए शीशा टूट गया, ये नया लगवाया, इसकी बर्थडे में आ रहे टायर खत्म। भाई सबसे अच्छा मैं हूँ बर्थडे दे। अबे साले तभी मेरी बात तो सुन, तू सब चीजें हो गए लेना तू रहेगी दफा, गाड़ी ले लिए खर्चा हो गया, मीको डाला बाबा साईं, मीको डाला आप दो ना। अच्छा भाई, तो शहर फैसल से गुजरने के बाद नौमी वापस अपनी औकात में आते हुए दोबारा आके बैठ रहे हैं, और बहुत मुश्किलों से हम कहाँ पहुँच गए। अभी आगे आएगा तीन तलवार, दो तलवार आगे, तीन तलवार है भाई। फाइनली तकरीबन 1.5 घंटा हमें निकले हुए हो गया शायद, और हम पहुँच गए दो दरिया नहीं पहुँचे, अभी सी वी पहुँच गए। और यहाँ जब रोड दिखा तो थोड़ा सुकून मिला, क्योंकि बहुत भटक भटक के हम पहुंचे हैं। भाई आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, आफ्टर लॉन्ग ड्राइव, वी आर एट दो दरिया। नीचे डायरेक्ट पानी है? नहीं, डायरेक्ट पानी नहीं है, पानी का शोर आ रहा है, चिंगम तो दिख रहा है। इसके लिए इतनी दूर आए थे, इसके लिए इतनी दूर आए थे, नजर भी कुछ नहीं आ रहा, ले कसम जाते खाना भी नहीं खाया, दूर दूर लाइटें दिख रही है बस थोड़ी थोड़ी है। चिंगम बहुत लंबी दीवार, उतरेगा वापस नहीं आएगा। चलो दुनिया से अजाब कम होगा।
भाई हम में से कुछ लोगों को सर्दी लग रही है, और ये तो भाई पहने हुई जैकेट वैकेट है और चिंगम ने जेब में हाथ डाले, मुझे मजा आ रहा है पर्सनली बहुत ज्यादा। टाइम हम निकल चुके हैं दोदरिया से, अब हमारी फ्लाइट सीधा लैंड करेगी किधर भाई? बंस रोड पे। बंस रोड पे हमें ये नहीं पता हम कहाँ जाएंगे, कहीं भी चले जाएंगे, मोमोज शोमोज खा लेंगे। पहुँच चुके हैं बंस रोड और मैं लाइफ में फर्स्ट टाइम आया हूँ यहाँ। आपने हमारी 3 घंटे की उफारी कराई, मैंने कराई, सब ने मिल के यहाँ चलो वहाँ चलो, थोड़ा सा इनका भी हाथ है जो साइड में खड़े हैं। अभी अभी हम यहाँ की सड़कों पर ढूंढ रहे हैं कि हमें कुछ अच्छा खाने को मिल जाए, और हमारे साथ हैं एक अदद फौरी वाले अभी और टोपी ना डालिया नहीं, कुछ मिल तो नहीं था, बस बिला वजह चलते फिरते लोगों में लोग पिन तोड़ रहे, बिला वजह बोल रहे हैं ये चाहिए वो चाहिए चाहिए, अभी कुछ भी नहीं ढूंढ रहे हैं कहाँ जाए कि हमने डिसाइड कर लिया होटल सिवलिंग में बैठ रहे हैं। उस्ताद बर्गर खड़क होगा ना, VIP होगा। भाई अब यहाँ पे हो रहा है डिसीजन के क्या मंगवाना है, ठीक है भाई दिखा मुझे दिखा जिंगर चीज बर्गर ही मंगाओ, सब एक जैसी चीज मंगाओगे ना मजा नहीं आएगा, मैं कह रहा हूँ अलग अलग मंगाओ। और ये हमेशा के साथ जिन्होंने कढ़ाई वाला ब्लॉग देखा होगा ना, उससे पहले तो आपने देखा ये इत्तेफाक है, हमेशा से मेरे बराबर में खुद ब खुद आया था, खुद ब खुद किस्मत खींची ले आती है शायद, पता नहीं क्यों बचता भाई, बिल नहीं दूंगा तेरा। चीज ना मजा नहीं कराई यार, अहमद जल्दी कर ले को देख के हमारी सेकंड वेव आ चुकी है जिंगर की। नहीं बन रहा भाई आज हम लगाए लगा के आए दांतों पे धार, समझ रहे हो आप, चेयर की क्या है तुम्हें दांतों पे धार लगा के आए वे मेले गंदे। तोबा 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 थारा मूड खराब कर दिया भाई, फ्री हो चुका भाई तो बहुत थका हो चुकी है, मैं आ चुका हूँ घर और ये लोग भी जा रहे हैं अब अपने घर, और अभी रात का बज रहा है 4 बजने वाला है, अब्बा से बहुत जला रहा है सही हमने, और किसके घर से कॉल आई, अब इसके घर से कॉल आई, अनस के घर से कॉल आएगा, और सबने जला रहा है सही, नुमान के घर से भी कॉल आई आज, क्योंकि भाई देर इतनी होती है ऐसी बात है, अम्मा अब्बा तो परेशान होंगे और कॉल भी करेंगे, लेकिन जो सिचुएशन हुई टायर का पहले सीन हो गया, उसके बाद जिस जगह में जाना तो जगह ही बंद है, तो ये तो होना था। तो बस भाई और मैंने उम्मीद है आज का ब्लॉग आपको बहुत पसंद आया होगा, अगर आपको पसंद आ ही गया ब्लॉग तो इस वीडियो को लाइक भी करें और कोशिश करें शेयर भी करें और कोई अच्छा सा कमेंट भी करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो बस आज का ब्लॉग करते हैं, मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।